नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवगढ़ झारखंड के बारे में। तो अगर आप अपने बच्चे को क्लास सिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। क्लास सिक्स के लिए आरके मिशन विद्यापीठ का फॉर्म निकल चुका है और सिर्फ वो बच्चे जो अभी फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, जो बॉयज अभी फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सिक्स्थ क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2020 से लेकर के आपको मैं बता दूं कि 31 अक्टूबर 2020 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मैं आपको क्या करता हूं, ये फॉर्म आपको कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये फॉर्म आपको डाल दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके भर करके इस फॉर्म को कैसे भरना है। आपको बनवाना है एक डीडी, 750 रुपए का डीडी बनवा करके ये जो आरके मिशन स्कूल का जो एड्रेस दिया हुआ है आपको यहाँ पे सेंड करना है। किसके फेवर में आपको डीडी बनाना है 750 रुपए का? रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ स्कूल के नाम से, ठीक है जी। और आपके बच्चे का क्लास सिक्स के लिए फॉर्म भर दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। टोटल इस फॉर्म के अंदर 18 पॉइंट है जो कि मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको भरना है। और इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको बच्चे का आधार कार्ड, आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप 9x6 इंच का, जिसके अंदर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा डालनी है। और ये वाला जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, इसको भर करके उसके अंदर डाल करके आपको इस पूरे एड्रेस पे जो मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है जिसके अंदर आपको अपना पूरा जो बच्चे का डिटेल है वो डालना है। और यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। और जो भी आप एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हो बिल्कुल एंड में दिया गया है। टोटल 6 एग्जाम सेंटर है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है एसेंसोल, छपरा, देवगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, मणिपुर, रांची, इन सातों में से आप कोड नंबर यूज कर सकते हैं 01, 02, 03, जो भी दो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आपको मिल जाएगा उसी पे आपको एग्जाम दिलवाना पड़ेगा। खासकर वो बच्चे जो इस साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिक्स क्लास के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और आरके मिशन स्कूल का भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वाला, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1,30,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में इसका खर्चा आता है। सबसे पहले नंबर पे आपको डालना है बच्चे का पूरा नाम कैपिटल लेटर में। अगर बच्चे के पास आधार कार्ड है या नहीं है तो जो आपने अप्लाई किया है उसका नंबर आप डाल दीजिए। अभी बच्चा पांचवी क्लास में पढ़ रहा है तो जैसे आपने जुलाई में फॉर्म भरा है तो जुलाई 2020 डाल दीजिए यहाँ पे। अगर अगस्त में भरा है तो अगस्त 2020 डाल दीजिए। रिलीजन में आपको डालना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है बच्चा। नेशनैलिटी में आपको इंडियन डालना है। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी से, जनरल, एससी, एसटी, डेट ऑफ बर्थ आपको पूरा डालना है अच्छे तरीके से। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे की हाइट कितनी है, विदाउट शूज आपको हाइट डालना है। अगर 147 सेंटीमीटर से कम है तो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। 147 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मदर टंग आपको जरूर डालना है। मदर टंग क्या है, बच्चे की हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, जो भी मदर टंग है। इसके बाद गार्जियन की पूरी डिटेल, यानी माता पिता की पूरी डिटेल आएगी, फादर का नाम, क्वालिफिकेशन और क्या करते हैं, और सालाना इनकम कितनी है, ऐसे ही आपको मदर का भी डालना है। और आपको ये याद रखना है कल को बच्चा सेलेक्ट हो गया तो आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बात करें अगर गार्जियंस की तो यहाँ पे अगर बच्चे के पिता नहीं है तो बच्चे का गार्जियन कौन है, माता है, मासी है, मासड़ है, फूफा जी है, जो भी उनके गार्जियन है, दादा दादी या नाना नानी, उनका नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा विद मोबाइल नंबर। यहाँ पे बच्चे का पूरा, पेरेंट्स का पूरा, जो भी गार्जियन है उनका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ आपको डालना है। 14वें नंबर पे आपको परमानेंट एड्रेस, बच्चे का पूरा डिटेल। 16वें नंबर पे बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। 17वें नंबर पे अगर बच्चे के साथ, 18वें नंबर पे आपको डालना है बच्चे का जो करंट स्कूल है और पूरा एड्रेस। और नीचे ये स्कूल सर्टिफिकेट जरूर डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे जिस भी स्कूल में भी बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर के साइन और नीचे गार्जियन के साइन यहाँ पे आपको करवाना है और आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। आरके मिशन
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।